एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान। इस खिलाड़ी की टीम में दो साल बाद हुई एंट्री। आईसीसी ने अब से कुछ ही देर पहले वर्ल्ड कप 2023 के लिए बदले हुए शेड्यूल का ऐलान किया है, जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान के अलावा कुल मिलाकर 9 मैचों की तारीखों में बदलाव किया गया है। इसके कुछ ही देर बाद पीसीबी की ओर से एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान की टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उलग चीफ सेलेक्टर बने हैं। उन्होंने पहली बार पाकिस्तान टीम का ऐलान किया है। खास बात यह है कि एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से भी 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। उसके लिए भी करीब करीब एक ही जैसी टीम रखी गई है। उम्मीद के अनुसार पाकिस्तान के बाबर आजम के ही हाथ में इस बार टीम की कमान रखी गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 22 को खेला जाएगा। इसके बाद 24 तारीख को दूसरा और 24 सितंबर को तीसरा मैच खेला जाएगा। पीसीबी के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उलग ने बताया कि एशिया कप के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में अब्दुल्ला सफी, फखर जमान और इमाम उलग को मौका दिया गया है। वहीं मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी कप्तान बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिकार अहमद, तैयब ताहिर और साउथ शकील को दी गई है। इस बीच ये साफ कर दिया गया है कि साउथ शकील केवल अफगानिस्तान के खिलाफ रहेंगे, वे एशिया कप के स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। वहीं विकेटकीपर के तौर पर मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस को जगह दी गई है, यानी सरफराज अहमद को एक बार फिर से टीम में जगह नहीं मिल सकी है। टीम में स्पिनर्स की जिम्मेदारी शादाब खान, मोहम्मद नवाज और उस्मान मीर को दी गई है। शादाब खान ही पाकिस्तान टीम के उपकप्तान भी चुने गए हैं। फहीम अशरफ के तौर पर टीम में एक ऑलराउंडर भी है। उनकी करीब 2 साल बाद वनडे टीम में वापसी हुई है। तेज गेंदबाज के तौर पर हारिस राउफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी को टीम में रखा गया है। एशिया कप 2023 का आगाज 30 अगस्त से होने जा रहा है। इसके 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे, वहीं बाकी के 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 30 अगस्त को मुल्तान में नेपाल बनाम पाकिस्तान के बीच होगा। वहीं टीम इंडिया अपने पहले मैच में 2 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ती हुई नजर आएगी। वहीं 5 सितंबर को भारतीय टीम नेपाल से खेलेगी। इस बार के एशिया कप में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एक ग्रुप में भारत और पाकिस्तान के अलावा नेपाल की टीम को जगह दी गई है। वहीं दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम है। सभी टीमें लीग में 2-2 मैच खेलेंगी। इसके बाद सभी 4 टीमें आपस में 3-3 मैच खेलेंगी। जो 2 टीमें पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 और 2 पर रहेंगी, उनके बीच फाइनल का मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा।